नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। पिछले काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे दिग्गज ओलंपियन पहलवानों को साल 1983 में क्रिकेट विश्व कप विजेता दिग्गज खिलाड़ियों को समर्थन मिला है। सुनील गावस्कर, कपिल, कप्तान देव सहित टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों ने पहलवानों से गंगा में मेडल बहाने जैसे कोई भी बड़ा फैसला न लेने की अपील करते हुए उम्मीद जताई है कि उनकी शिकायतों का जल्द ही निवारण किया जाएगा। पिछले कई महीनों से विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया सहित दिग्गज पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इन पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों के शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। इसके अलावा और भी कई शिकायतें हैं जिनका जिक्र उन्होंने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ किया है। हाल ही में इन पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई न होने की सूरत में अपने पदक गंगा में बहाने की धमकी दी थी। अब साल 1983 में विश्व कप जीतने वाली क्रिकेट टीम ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा, हाल ही में पहलवानों के साथ हुए बर्ताव की तस्वीर को देखकर हम बहुत ही दुखी है। साथ ही हम इस बात से भी वंचित है कि यह पहलवान कड़ी मेहनत के बाद जीते गए पदकों को गंगा में बहाने के बारे में सोच रहे हैं। खिलाड़ियों द्वारा हस्तांतरित बयान में आगे कहा गया कि ये पदक सालों के प्रयास, त्याग, इच्छा शक्ति और साहस के बाद देश को मिले हैं। ये पदक खिलाड़ियों के ही नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव है और खुशी है। हम इन पहलवानों से इस मामले में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लेने की अपील करते हैं। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि इनकी शिकायत न केवल जल्दी सुनी जाएगी बल्कि इनका हल भी निकाला जाएगा। देश के कानून को अपना काम करने दे। दरअसल 28 मई को दिल्ली पुलिस ने कानून के उल्लंघन की बात करते हुए नए संसद भवन की ओर विरोध मार्च कर रहे पहलवानों को हिरासत में ले लिया था। पुलिस का कहना था कि पहलवानों ने इस मार्च की इजाजत नहीं ली थी। साथ ही पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के मूल स्थल जंतर मंतर को भी पूरी तरह साफ करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि पहलवानों को जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन तमाम मीडिया चैनलों पर पहलवानों को हिरासत में लेने की तस्वीरें आने के बाद दिल्ली पुलिस कार्रवाई की चौतरफा आलोचना की गई थी और अब इस आलोचना में विश्व कप जीतने वाले क्रिकेट भी शामिल हो गए हैं।